नागपुर शहर की सदर पुलिस ने अंतर्राज्यीय सेंधमार व वाहन चोर गिरोह को पकड़ने में कामयाबी हासिल की है। इस गिरोह को पकड़ने के लिए पुलिस ने शहर में 27 जगहों के सीसीटीवी कैमरों की जांच की और करीब 32 संदिग्धों से पूछताछ के बाद आरोपी शाहरुख उर्फ मुन्ना हनीफ खान को धर दबोचा। गिरफ्तार आरोपी से सेंधमारी और वाहन चोरी के साथ मामले उजागर हुए हैं। इसके साथ ही पुलिस ने आरोपी के पास से करीब 3,16,000 रुपयों का माल बरामद किया है। पूछताछ के दौरान आरोपी ने सदर इलाके के दिव्या मेडिकल स्टोर में सेंधमारी का गुनाह भी कबूल किया है। फिर यदि है कमल किशनलाल अग्रवाल, इनका छावनी में अचर टावर के सामने में दिव्या मेडिकल स्टोर करके मेडिकल स्टोर की दुकान है। दिनांक 4/2 से 5/2 के नाइट में उनके मेडिकल स्टोर का किसी ने शटर तोड़ा था और शटर तोड़ के हाथ में से उनके कुछ नकदी पैसे चुरा कर लेके गए थे। इस संबंध में पुलिस स्टेशन सदर में घरपोड़ी का गुना नोंद है। वहाँ लगे सीसीटीवी फुटेज, सीओसी की मदद और तांत्रिक तपास से हमने आरोपी डिटेक्ट किया है। आरोपी का नाम है शाहरुख हनीफ खान, उम्र 22 साल, रहना यह पुलिस स्टेशन तहसील के हद में डागा हॉस्पिटल के पीछे में फुटपाथ के ऊपर रहता है। ये प्रॉपर खामर पानी तहसील बिछुआ जिला छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश का रहने वाला है। इसके पहले भी इसका रिकॉर्ड है और अभी ये 4-5 महीने पहले ही नागपुर जेल से छूटा था। इसका मोटा ऐसा था कि ये टू व्हीलर व्हीकल चोरी कर रहा था, उससे घरपोड़ी को अंजाम दे के फिर से टू व्हीलर गाड़ी को छोड़ देते जाओ। इसके बाद से हमने टोटल 7 गुने उगड़ के लाए हैं। 3 पुलिस स्टेशन सदर के हैं और पुलिस स्टेशन पारडी, वाड़ी, अंबाझरी, धंतुली, ऐसे टोटल हमने इसे 7 गुने उगड़ के लाए हैं और उसके बाद से टोटल 3,16,750 रुपये का मुद्देमाल हमने हस्तगत किया है।